वाले पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स होते क्या है, क्यों यूज करते हैं इनको, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो पीएचपी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ये क्या करते हैं कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वेरिएबल्स पर और जो वैल्यू में, वैल्यू से, उनको क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स। तो पीएचपी डिवाइड द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप। कौन कौन से ऑपरेटर्स थे हमारे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपेयर, ये आपका कंपेरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इनको हम वन बाई वन देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट अभी देखता हूँ इसमें। आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, पीएचपी के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो पीएचपी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज विद द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द परफॉर्म कॉमन अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशनल, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन, इटीसी। तो इसमें जैसे ये ऑपरेटर्स हैं जो आपने प्लस माइनस, और यहाँ पे जैसे आपने मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन, इस तरीके के जो हमारे ऑपरेटर्स, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स, तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज कैसे करते हैं, तो उसको हम वन बाई वन देखते हैं। तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ही देखेंगे बस ओनली। नेक्स्ट हम अभी जैसे मैंने एक, मैं फाइल बना देता हूँ आपको। ओपी डॉट पीएचपी। अब जैसे अब यहाँ पे जैसे ऑपरेटर्स को ही हम पढ़ने वाले हैं बस खाली। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो मैंने क्या किया, जैसे पीएचपी का, पीएचपी को स्टार्ट, पीएचपी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे डॉलर ए, सॉरी डॉलर ए इक्वल्स टू 10, इक्वल टू 10 एंड डॉलर बी इक्वल टू 15। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, टू वेरिएबल्स ए एंड बी। तभी मैं क्या करना है, मुझे एक सम करना है। तो डॉलर क्या करूंगा, एक सम, सम सम क्या करूंगा, डॉलर ए, अब देखो प्लस डॉलर बी। अब डॉलर ए एंड बी क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसमें क्या बोला है उसने, देखो ये क्या बोला है कि न्यूमेरिक, हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म द कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अब ये देखो ए एंड बी में क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है 10 एंड 15, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशंस करना है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ई को सम करेंगे, डॉलर सम, ये जैसे मैंने डॉलर सम, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा, सॉरी ये प्रीवियस पेज हमारा अभी रन है, अभी हम करना है ये ऑपरेटर्स वाले पेज। तो 25, 10 और 50 क्या कर दिया इसने, ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे, अब ये तो सिंपल है, माइनस प्लस, माइनस कर दिया तो मेरे -5 आ जाएंगे, क्योंकि ए से 10 है और बी हमारा क्या 15 है, इस वजह से मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई में मेरा क्या आएगा 150, 150। ऐसे में डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड के लिए थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेते हैं हम लोग, मैं इसको 60 कर लेता हूँ, 50
1540, 15 4 जा 16, 60 तो ये डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा अब यहाँ पे डिवीजन भी हो गया। ऐसे ही हमारा एक रिमाइंडर भी हो जाएगा, जैसे मैं कर लेता हूँ इसको 60, तो मॉडुलस भी करके देख लेते हैं हम लोग। हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, दिस इज अ मॉड्यूल, ये भी हम करके देख लेते हैं अब इसको। तो इसने क्या दिया हमें, देखो ये रिमाइंडर दे दिया, मॉड्यूल क्या हुआ, रिमाइंडर दे दिया कि 15 4 जा 60, और ये 1 क्या बचा हमारा, रिमाइंडर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल स्टार यूज करने वाला हूँ। इसमें देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ये हमारा क्या है आउटपुट। तो ये थे हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। इस तरीके से जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एडिशन जहाँ पे करना हो, मल्टीप्लीकेशंस करना हो, मॉडुलस निकालना हो, डिवीजन करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं अपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। और ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, देखो ये तभी यूज होंगे जब पीएचपी यूज विद द न्यूमेरिक वैल्यू टू द परफॉर्म इन द कॉमन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। सो थैंक यू।